नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 20 सितंबर 2022 और आज की दूसरी पाली का पेपर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी मैथ के, जीके, जीएस और रीजनिंग के सटीक क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराए जाएंगे। अगर आपका पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो आप सभी के लिए आज की वीडियो का एनालिसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज की दूसरी पाली का पहला क्वेश्चन है, अकबर के द्वारा दास प्रथा कब समाप्त की गई थी? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है 1562 में अकबर ने जो है दास प्रथा का किया था। 1562 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तंजौर का ब्रह्मदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था राजा राम प्रथम चोल ने। राज प्रथम चोल ने जो है तंजौर का ब्रह्मदेश्वर मंदिर बनवाया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा प्रथम चोल ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है सीमांत, इन्हीं को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? मिड डे मील योजना जो है किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपको बता दें 1995 में मिड डे मील योजना जो है ये आपकी शुरू की गई थी 1995 में। अगला क्वेश्चन है, फलों को जो है पकाने के लिए कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है? तो एथिलीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। एथिलीन का सूत्र कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें। फलों को पकाने के लिए जो है एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द हैं संविधान में जोड़े गए थे। और यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था हनीमैन। होम्योपैथी का जो संस्थापक था उसका नाम था हनीमैन। हनीमैन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हनीमैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस जो है कारण थी? तो आपको बता दें मिथाइल आइसोसाइनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल गैस दुर्घटना में जो है मिथाइल आइसोसाइनेट जो है मुख्य कारण थी। तो सही उत्तर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है मुख्य कारण बनी थी। उत्तर पश्चिम में भारत की भूमिगत सीमा किस देश से जुड़ी है? तो आपको बता दें पाकिस्तान इसका राइट आंसर है। उत्तर पश्चिम में भारत की जो भूमिगत सीमा है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ी है, और पूर्व में जो है आप लोगों को पता होना चाहिए बांग्लादेश के साथ जो है जुड़ी हुई है। बांग्लादेश को जो है हम लोग पूर्वी पाकिस्तान भी कहते हैं। पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी हम लोग जो है बांग्लादेश को जानते हैं। पहले बांग्लादेश जो है अपने भारत में ही था, लेकिन बाद में बांग्लादेश को अलग देश का दर्जा दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की जो स्थापना है किस महान व्यक्ति ने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सेवक समाज की जो स्थापना है गोपाल कृष्ण गोखले जो व्यक्ति हैं इन्होंने ही की थी, तो राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आईने मकबरी जो है किताब किसने लिखी थी? तो आईने मकबरी किताब जो है ये आपकी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अबुल फजल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आईने मकबरी किताब जो है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अबुल फजल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किस मुसलमान ने पुराण का अध्ययन किया था? तो आपको बता दें अलबरूनी इसका राइट आंसर है। अलबरूनी एक ऐसे मुसलमान है जिन्होंने सबसे पहले जो है पुराण का अध्ययन किया था। अलबरूनी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने ही पुराण का अध्ययन किया था, सबसे पहले मुसलमान बने थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु किस तरह की कहलाती है? तो आपको बता दें भारत की जो जलवायु है ये आपकी उष्णकटिबंधीय जलवायु कहलाती है। उष्णकटिबंधीय इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु कहलाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय जलवायु। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो अरबी भाषा का शब्द है, मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा अरबी भाषा। भारत का पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर बनाया गया? तो आपको बता दें तारापुर इसका सही उत्तर है। भारत का पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन जो है आपका तारापुर में बनाया गया, तारापुर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और अगला क्वेश्चन था कि ए किसी काम को दो दिनों में करता है, बी किसी काम को चार दिनों में करता है, और सी किसी काम को छः दिनों में करता है। तो यहाँ पे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो यहाँ पे आप लोगों को जैसा कि पता है सबसे पहले आप लोगों को एलसीएम लेना होता है। एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो कि है 12, तीनों का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 12 है। 2 6 12, 4 3 12, 6 2 12, सभी की इफ़िशेंसी अब हमें पता चल गई है। 6 3 9 9 और 2 क्या होता है 11 होता है। ठीक है, अब हम लोग टोटल वर्क हमें पता चल गया कि 12
टोटल वर्क है और 11 हमारे पास एफिशिएंसी है, एक दिन में जो है 11 काम होगा, 12 काम टोटल है, तो यहाँ पे 11 एकम 11 और यहाँ पे एक बचेगा। जो भी आपका जो रिमाइंडर होता है, सेसफुल होता है, यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे आपका भागफल और इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे जो आपका चलता है भाजक, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिन, एक सही 1/11 दिन लगेंगे उन तीनों को उस काम को करने के लिए, ठीक है। एक सही 1/11 दिन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, राजभाषा आयोग को कब समाप्त किया गया था? तो आपको बता दें, राजभाषा आयोग को जो है 1976 ईस्वी में समाप्त किया गया था। राजभाषा आयोग को जो है 1976 ईस्वी में समाप्त किया गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारे देश में कब से कागजी मुद्रा का चलन माना जाता है? तो 1862 ईस्वी से हमारे देश में जो है कागजी मुद्रा का चलन माना जाता है, 1862 ईस्वी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। एटम बम जो है ये किस सिद्धांत का, एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या है? तो नाभिकीय विखंडन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है एटम बम का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम को किसने बनाया था? तो एडवर्ड टेलर के द्वारा जो है हाइड्रोजन बम को बनाया गया था, एडवर्ड टेलर, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंक ईमेल को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दें, स्पैम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्पैम इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जंक ईमेल को जो है स्पैम नाम से जानते हैं, स्पैम इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार जैन सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो आपको बता दें, पाटलिपुत्र, इसका सही उत्तर है। पहली बार जैन सभा का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का नाम क्या है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का नाम है संघ, धम्म और बुद्ध। संघ, धम्म और बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, राइट आंसर हो जाएगा संघ, धर्म और बुद्ध। हमारे देश में पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपको बता दें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और 18 है, इसका राइट आंसर है 18 है। हमारे देश में पुराणों की संख्या 18 है, 18 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन इस प्रकार से, ए माइनस 1/a का बराबर में दिया है आपका 4, उसके बाद बोला है ए क्यूब माइनस 1/a का क्यूब बराबर में ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिया है ए माइनस 1/a बराबर 4 और ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, ए माइनस 1/a का होल क्यूब बराबर में ए क्यूब, यानी कि ए क्यूब माइनस 1/a का क्यूब बराबर का निशान है, और माइनस का 3ab होता है, तो 3 × a चल रहा है आपका a, और b चल रहा है 1/a, और ब्रैकेट में होता है a प्लस b, यानी कि a माइनस b, मतलब कि 1 a - 1/a, ठीक है। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद हम लोग जब यहाँ पे मान रखेंगे तो इसका वैल्यू 4 था, 4 × 16 × 64 यहाँ पे आ जाएगा, और a क्यूब माइनस 1/a क्यूब की वैल्यू चाहिए थी, और इसका मान भी हमें 4 पता है, तो 4 × 12 यहाँ पे हो जाएगा, 12 उधर जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 64 और प्लस 12 बराबर में a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे 64 12 को जोड़ेंगे तो 4 × 2 = 6, ठीक है, 6 आ जाएगा, 4 × 2 = 6, तो यहाँ पे हमने 6 लिखा, इसके बाद बोला है 6 × 7 = 76, इसका राइट आंसर था। ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब का मान 76 होगा जब a माइनस 1/a का मान 4 दिया है, ठीक है। तो राइट आंसर 76 था इसका। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवंतिका जो है किस शहर का नाम था? तो आपको बता दें, उज्जैन इसका सही उत्तर है, उज्जैन इसका राइट आंसर है। प्राचीन काल में अवंतिका जो है उज्जैन शहर का नाम था, उज्जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आला उदल का संबंध कहाँ से है? तो आपको बता दें, इसका सही उत्तर है, आला उदल का जो संबंध है ये महोबा से है, महोबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, श्री हरिकोटा द्वीप किस झील के नज़दीक स्थित है? तो पुलकित झील इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्री हरिकोटा द्वीप जो है ये आपका पुलकित झील के नज़दीक स्थित है, पुलकित झील इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च कहाँ पर हुआ था और इसका नाम क्या था? तो आपको बता दें, PSLV C-25 इसका राइट आंसर है। मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च जो है PSLV C-25 है, और यहाँ पर आप लोगों को ये बता दें हुआ था, ठीक है। और हमारे देश की सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति सही उत्तर।